नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। आज लाया हूं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं, और वो है आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सबसे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो डालिए, तो मैं डालता लेकिन बीच में बहुत सारे काम आ गया था। मैं बताया था कि बिजनेस रिलेटेड काम था, इस कारण से मैं नहीं डाल पाया था। तो आज मैं पहला डालता हूँ वीडियो, वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो है आपके व्हाट्सएप से। दोस्तों लगभग सबके पास व्हाट्सएप होगा ही, जो भी अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप उनके साथ होगा ही। अब व्हाट्सएप से कैसे हैकर्स आपके मतलब डेटा को चुरा सकता है और आपको कैसे बचना है, ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, चुराने के लिए क्या करना पड़ता है हैकर्स को, मैं एज ए जैसे जानते हैं कि चोर ही दूसरे चोर का कॉन्सेप्ट समझ सकता है, तो जैसे मैं जिस समय एथिकल हैकिंग सीख रहा था तो वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि कैसे करता है। वो क्या करेगा, सबसे पहले पेलोड डालेगा कहाँ पे, कोई भी फाइल पे। अब वो फाइल क्या हो सकता है, कोई एपीके फाइल हो सकता है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है, कोई इमेज फाइल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा टारगेट क्या कर रहा है कि या तो इमेज और नहीं तो पीडीएफ फाइल। क्या करेगा, अननोन आदमी वो आपको पीडीएफ फाइल शेयर करेगा आपके साथ, मतलब अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में, नहीं अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन, ठीक है। जैसे ही शेयर करेगा आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, और जी हूँ डाउनलोड कीजिएगा तो वो पेलोड क्या है आपके सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब आपके सिस्टम का सारा सेल कंट्रोलिंग जो है उसके पास चला गया। जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तक सारा कंट्रोलिंग वो कर सकता है, चाहे आपके मतलब डिवाइस से, चाहे मोबाइल हो या सिस्टम हो, डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर हो, उससे क्या करेगा सारा डाटा को वो कमांड बेस से वो कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है, डिलीट मार सकता है, देख सकता है, सारा कुछ कंट्रोलिंग कर सकता है। तो इससे बचना कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही डाउनलोड हो, आप नहीं जान रहे हैं कि वो मतलब कि हैकर फाइल भेजा है हैक करने के लिए या सही में जेनून है, तो आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक कि जैसे डाउनलोड करिएगा इसके बाद नेट डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए डाउनलोड करने के बाद, और इसके बाद आपको स्टडी करना है, देख लीजिए उसमें सही में जेनून है तो अच्छी बात है, नहीं से तो क्या कीजिए, एक बार स्कैन कीजिए, मोबाइल को ऑफ कीजिए, इसका ऑन कीजिए, फिर वहाँ पे कनेक्ट नहीं कीजिए, उसको रिमूव कर दीजिएगा उस पर्सन को, तो ही बचा जा सकता है, कुछ चांस है बचने का। और सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अननोन पर्सन जब भी कोई फाइल सेंड करे तो वो फाइल पे क्लिक ही नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट उसको ब्लॉक कीजिए। इसी तरह से ईमेल के केस में होता है, अगर आपके पास कोई ईमेल आता है साथ में कोई अटैचमेंट रहता है और वो अननोन पर्सन भेजता है तो भूल से भी उसको क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो शायद समझ गए होइएगा तो लाइक बटन मारिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक एज इन फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।